प्यार आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये तो अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा। प्यार को ऐसे ही लोग कांटों पर चलना नहीं कहते। प्यार जितना प्यारा शब्द है ना, उसके नतीजे उतने ही भयानक और दर्दनाक हो सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान के दौसा जिले में देखने को मिला है, जिसमें लड़की को उसके प्यार की सजा उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान के दौसा में जाति और समाज का बंधन एक बार फिर दो प्रेमियों के बीच की दीवार बन गया। इस अधूरे प्यार का वो अंजाम हुआ जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। प्रेम प्रसंग में उलझी लड़की को उसके ही पिता ने प्रेमी के घर से अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया और खुद आकर पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। ऑनर किलिंग के इस घटना के बाद दौसा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं कि इस प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने अपनी इच्छा से रहने और पुलिस को इनकी सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसी बीच में लड़की के घर वाले प्रेमी के घर से युवती को उठाकर ले गए और अपने ही घर में उसे प्यार की ऐसी सजा दे दी कि प्यार करने वाले सुनकर कांप उठेंगे। लड़की को प्यार करने की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी है और इसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसी को जन्म देने वाला खुद उसका पिता है। लेकिन पिता को इसका प्यार गवाना नहीं था, इसलिए पिता ने इसे अपने प्रेमी के घर से जबरन अगवा किया और सामाजिक मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए अपने ही घर में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पिता की यह दरिंदगी यही नहीं थमी बल्कि उसने खुद शान के साथ जाकर पुलिस को सरेंडर किया और बताया कि मैंने प्रेम जाल में फंसी मेरी बेटी को मार दिया है। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस जिस युवती को दस्तयाब करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रही थी, वो युवती को दस्तयाब तो नहीं कर पाई, लेकिन उसका शव उसके पिता के घर से ही पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसका पिता इस प्रेम प्रसंग से नाराज था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर इस प्यार का इतना खतरनाक अंजाम हुआ कैसे। दरअसल लड़की पिंकी सैनी रोशन महावर नाम के युवक से पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग में थी और दोनों एक साथ शादी करके अपना जीवन हंसी खुशी बिताना चाहते थे, लेकिन दोनों की जातियां इनके प्यार के बीच में रोड़ा बन गई। जब लड़की ने अपने पिता से युवक के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की तो पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया और 16 फरवरी को पिता ने किसी अन्य युवक के साथ लड़की की शादी करके उसे विदा कर दिया। लड़की शादी के बाद 19 फरवरी को वापस अपने पीआर आई और प्रेमी युवक से संपर्क किया। फिर 20 फरवरी को लड़की अपने प्रेमी लड़के के साथ जयपुर चली गई और 21 फरवरी को हाईकोर्ट में एक साथ रहने की इच्छा जताते हुए प्रोटेक्शन और पुलिस सुरक्षा की भी मांग की। हाईकोर्ट ने दोनों को एक साथ रहने की मंजूरी देते हुए पुलिस को इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इस पर जयपुर पुलिस ने इनके बताए हुए स्थान पर जयपुर में इन्हें छोड़ दिया। 1 मार्च को युवती अपने प्रेमी के साथ दौसा उसके घर पहुंच गई, जिसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। परिजन युवक के घर जा पहुंचे और जबरन युवती को उठाकर ले गए, जिसका प्रकरण युवक द्वारा महिला थाने में दर्ज भी करवाया गया। तब से ही पुलिस लड़की की दस्तयाब करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को युवती तो नहीं मिली, लेकिन उसका शव पुलिस को जरूर मिल गया। आपको बता दूं कि लड़का और लड़की के अंतरजातीय इस प्रेम प्रसंग को हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था और पुलिस को ये साफ निर्देश दिए गए थे कि इनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन पुलिस इनकी सुरक्षा को लेकर कतई गंभीर नहीं थी। जयपुर पुलिस ने इन्हें जयपुर में छोड़ दिया, जबकि दौसा पुलिस इनको सुरक्षा देने के लिए अपने आप को अनजान बताती रही। पुलिस को इस वारदात का पता ही उस समय चला जब इस युवक के घर रह रही युवती को परिजन लठ के बल पर उठा ले गए। तब युवक ने महिला पुलिस थाने में युवती के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पिता सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। पुलिस अब उस पहेली को सुलझाने में लगी हुई है कि हत्या की वारदात को अंजाम किस किस ने और कैसे दिया था। लेकिन इस बीच सामाजिक व्यवस्था का जातियों और धर्म के बीच में उलझा एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसमें प्यार करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी सजा इतनी खतरनाक हो सकती है, जिसका यह उदाहरण बन गया है। यह घटना समाज का वो चेहरा है जिसे कोई ना देखना चाहता है और ना ही समझना चाहता है।
तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। क्या आप भी इस जमाने में ईयरफोन यूज कर रहे हैं जिसका हर बार वायर टूटने का डर रहता है? अगर आपको ईयरफोन के बजट में ब्लूटूथ नेक बैंड मिल जाए, वो भी इंडियन ब्रांड के साथ, तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जागीदार शॉपिंग ऐप की, जो खास आपके लिए लेकर आया है ऑल ब्लूटूथ नेक बैंड पर स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही डाउनलोड करें जागीदार शॉपिंग ऐप।